नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर जानेंगे और एक ऐसी टाइम ट्रैवल की घटना जो अभी भी एक मिस्ट्री है। ये टाइम ट्रैवल की कहानी है ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के एयर मार्शल विक्टर गोडार्ड की। वर्ल्ड वॉर वन से तो वर्ल्ड वॉर टू तक विक्टर गोडार्ड RAF यानी रॉयल एयरफोर्स के एक विंग कमांडर थे, पर साल 1935 में उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जो उनके लिए एक मिस्ट्री तो थी ही, लेकिन दुनिया के लिए भी अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था साल 1935 में, चलिए जानते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। उनके साथ ये घटना हुई साल 1935 में, जब विक्टर अपने बायप्लेन हॉकर हार्ट में सवार होकर एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से अपने घर इंग्लैंड जा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस इंग्लैंड से स्कॉटलैंड पहुंचते वक्त जब वो स्कॉटलैंड के ऊपर से उड़ रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बार दूसरे रूट से जाएंगे, और इस बार वो एडिनबर्ग वाले रूट से नहीं जा रहे थे, बल्कि वो ड्रेम जो कि स्कॉटलैंड का एक छोटा सा गांव है उस वाले रूट के ऊपर से जा रहे थे। ड्रेम के ऊपर से उड़ते वक्त वो एक बंद पड़े एयरफील्ड के ऊपर से गुजरे। ये बंद पड़ा एयरफील्ड वर्ल्ड वॉर वन के समय बनाया गया था और अब ये खाली मैदान बन चुका था। इस बंद पड़े एयरफील्ड के ऊपर से उड़ते समय अचानक एक बहुत ही खतरनाक तूफान आया, जिसकी वजह से विक्टर का प्लेन तूफान की तेज हवाओं में उलझ गया और उसने अचानक अपने प्लेन का कंट्रोल भी खो दिया, जिसकी वजह से विक्टर का प्लेन नीचे गिरने लगा। विक्टर गोडार्ड का प्लेन एक माउंटेन से जा टकराया, जिसके बाद उन्हें जमीन वमीन के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया, बस उन्हें वो तूफान वाले अजीब से कलर के बादल ही दिखाई दिए। लेकिन अचानक दोस्तों, अब यह ट्विस्ट आता है, अचानक उनका प्लेन वापस से उड़ने लगा और विक्टर उन अजीब से बादलों से बाहर निकल आए। विक्टर अभी भी उसी ड्रेम एयरफील्ड के ऊपर से उड़ रहे थे, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका था। वह बंद पड़ा एयरबेस अब एक रियल एयरबेस जैसा दिख रहा था, साथ ही वहाँ चार एयरप्लेन्स भी खड़े थे। ये चार एयरप्लेन्स येलो कलर से पेंटेड थे, लेकिन साल 1935 तक RAF के प्लेन्स का कलर कभी भी येलो नहीं हुआ करता था, तो फिर ये येलो कलर का एयरप्लेन वहाँ क्या कर रहा था? विक्टर ने तीन एयरप्लेन्स को स्पॉट किया जो बायप्लेन्स थे, पर चौथा एयरप्लेन जो था उसकी डिज़ाइन वगैरह से विक्टर को उस प्लेन के मॉडल का कुछ आइडिया नहीं था, जबकि वह प्लेन एक मोनोप्लेन था जो कि RAF के पास साल 1935 तक नहीं हुआ करता था। तो ये प्लेन भी वहाँ कैसे आया? वहाँ कुछ मैकेनिक्स भी थे जो RAF के मैकेनिक्स जैसे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनका जो ड्रेसिंग था वो RAF वाले मैकेनिक्स की तरह ही था, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म का कलर ब्लू था, जबकि RAF के मैकेनिक्स वालों का यूनिफॉर्म का कलर ब्राउन हुआ करता था। लेकिन वह तूफान फिर से एक बार आया, पर इस बार विक्टर ने प्लेन को किसी तरह संभाला और वो उस तूफान से निकल आए। तो दोस्तों, उस दिन विक्टर के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि जो चीज़ें और टेक्नोलॉजी साल 1935 तक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो उसे वो कैसे दिखाई दी? क्यों वो एक टाइम स्लिप था जो विक्टर ने एक्सपीरियंस किया था? क्योंकि फिर बाद में साल 1939 में यानी उसके 4 साल बाद RAF ने वो सब इक्विप किया जो भी विक्टर ने उस साल 1935 में देखा था। RAF ने अपने प्लेन्स को येल्लो पेंट करना भी शुरू कर दिया था और एक मोनोप्लेन भी अपने फोर्स में ऐड कर लिया था और अपने मैकेनिक्स का भी यूनिफॉर्म का कलर चेंज करके ब्लू कर दिया था। और तो और RAF ने साल 1939 तक उस ड्रेम वाले एयरबेस को भी वापस से रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया था। तो दोस्तों, अब ये सब चीज़ें थी जो विक्टर ने उस साल 1935 में देखी थी। लेकिन विक्टर गोडार्ड ने 1935 में ही ये सब चीज़ें कैसे देख ली थी, जबकि ये सब बाद में यानी उसके 4 साल बाद सच में होने लगी? तो क्या उस दिन उस तूफान की वजह से विक्टर गलती से फ्यूचर में पहुंच गए थे? आपको क्या लगता है? आपके थॉट्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।